गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब अच्छे से होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपके लिए सी लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे विषयों पर आपको जानकारी दी है और उसी क्रम में आज पुनः मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके। और वो टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो टॉपिक है नेस्टेड लूप्स इन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेस्टेड लूप क्या है, इसके पहले थोड़ा सा आइडिया आपको देना पड़ेगा लूप का। यद्यपि मैंने लूप आपको सी में बता दिया है कि लूप क्या है, लूप एक बहुत ही कमाल की यूटिलिटी है बच्चों। लूप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूटिलिटी जिसके द्वारा क्या है लूप, इट इज अ वे, माने तरीका टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। रिपीटेड, इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, लूप एक तरीका है, एक यूटिलिटी है जिसके द्वारा आप रिपीटेड टास्क को, रिपीटेड का मतलब बार बार अगर किसी चीज को परफॉर्म करना है तो वो आप कर सकते हैं। और मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको ये बताया था कि सी में कितने प्रकार के लूप हैं और आप उसको कैसे प्रयोग करेंगे या चलाएंगे। तो आइए उसी क्रम में अब आपको मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, यदि आपको लूप जैसी टूल का निर्माण करना है, लूप को यदि उपयोग करना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लूप को बनाते कैसे हैं। तो लूप को बच्चों यदि आपको अगर क्रिएट करना है या निर्माण करना है तो तीन बातें। पहली, लूप की इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू मतलब क्या कि लूप की शुरुआत कहां से होगी, कंडीशन, लूप कब तक चलेगा। और तीसरी खास बात, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू घटेगी। ये तीन बातें आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप ये तीन बातें नहीं बताएंगे तब तक आप लूप को सही से बच्चों नहीं बना पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लूप बनाना आता होगा। आइए बताता हूं नेस्टेड लूप क्या है। व्हाट इज दिस नेस्टेड लूप। देखिएगा, इन सी लैंग्वेज इट इज अलाउड टू क्रिएट लूप इनसाइड लूप। यानी सी में क्या अलाउड है कि लूप के अंदर आप लूप का निर्माण कर सके। इट इज अलाउड टू क्रिएट लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं बच्चों, इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। यदि आप लूप के अंदर लूप को बनाते हो, लूप में ही लूप का निर्माण करते हो, तो ऐसे लूप को हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे बच्चों। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जो बिना नेस्टेड लूप के आपकी सॉल्व नहीं की जा सकती। वो टेक्निक्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। आइए दिखाते हैं कि कैसे आपको नेस्टेड लूप बनाना है और उसको कैसे यूज करना है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम ऑफ नेस्टेड लूप, आओ देखा जाए। एक बहुत ही साधारण सा प्रोग्राम, कैसे लूप नेस्टेड करेंगे। मेन फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, दो इंटीजर वेरिएबल आप लेना पड़ेगा सी में, मान लीजिए आई और जे का। फॉर आई को मैंने चलाया वन से, आई लेस देन इक्वल टू कहां तक मैं ले जाऊंगा, फाइव तक,
आई प्लस प्लस आई के मान में एक एक इंक्रीमेंट करेंगे और फॉर जे इज इक्वल टू वन से चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेंगे और जे को भी एक एक बढ़ाएंगे। और यहां देखिए बच्चों, प्रिंट एफ बैकस्लैश टी परसेंटेज ऑफ डी, किसको प्रिंट करा दूं मैं, जे को प्रिंट कराता हूं। ये फॉर आपका बंद हो गया, अब मैं इधर लिख दे रहा हूं प्रिंट एफ बैकस्लैश एन और ये फॉर बंद हो गया, ये आपका मेन बंद हुआ। ये देखिए एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल, ये आपका कौन सा लूप बंद हुआ, ये बंद हुआ आपका फॉर, कौन सा फॉर आई, ये वाला जो बंद हो रहा है ये कौन सा बंद हो रहा है फॉर जे। यहां पे सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां लूप के अंदर ही लूप डिक्लेयर हो रहा है, तो जब आप लूप के अंदर लूप डिक्लेयर करोगे तो जो आई है इसको मैं कहूंगा आउटर। आई तुम्हारा कैसा है, आउटर लूप है, और यहां पर जे आपका कैसा है, जे आपका बच्चों इनर लूप है। एक तुम्हारा आउटर है, एक तुम्हारा कौन सा है, इनर लूप है। याद रखिएगा, वन विच इज कॉल्ड आउटर वो आई है, और आई के अंदर जो लूप चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जे का चल रहा है। और बच्चों आई का मान है एक से पांच तक जाएगा, आई तुम्हारा एक से पांच तक चलेगा, और आई के मान जब वन होगा जे भी चलेगा वन से कहां तक, कंडीशन देखिए आई तक चलेगा। यानी जितना आई का मान होगा उतनी बार जे चलेगा, बस इतनी सी बात समझ लीजिए, और हर बार जे शुरू होगा वन से। तो कैसे ये काम करेगा इस चीज को समझने की जरूरत है। ये देखिए मैं आई का मान लिख रहा हूं, पहली बार आई का मान क्या होगा वन, जब आई का मान वन होगा जे चलेगा वन से कहां तक, वन तक। तो बताइए जे के अंदर आपने प्रिंटिंग की, आई के मान वन के लिए जे भी एक बार चलेगा तो प्रिंट कराओगे जे तो क्या वैल्यू देगा वन, और जे टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है बैक स्लैश एन, ये फॉर में मैंने डिक्लेयर किया है, तो ये लाइन को चेंज कर देगा, न्यू लाइन जिसको कहते हैं सी लैंग्वेज में, वो रिप्रेजेंट होता है किससे बच्चों, बैक स्लैश एन से। अब इसके बाद आई का मान एक से बढ़ के दो बन जाएगा, जब आई का मान दो होगा जे फिर एक से लेके कहां तक आई यानी दो बार चलेगा, तो बताइए नई लाइन पे फिर क्या वन और टू प्रिंट करेगा। यहां बीच में ये गैप क्यों आएगा, बैक स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब बोला जाता है, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, ये मैंने लगा रखा है, तो बीच में ये गैप आएगा और फिर नई लाइन बदलेगी। आई का मान जब तीन होगा जे एक से लेके कहां तक जाएगा बच्चों तीन तक जाएगा, तो बताइए आउटपुट क्या प्रिंट करेगा वन टू थ्री। फिर ऊपर आएगा आई का मान चार बढ़ के पहुंच जाएगा, तीन के बाद आई पहुंचेगा चार, जे चलेगा एक से आई यानी कहां तक चलेगा वन टू थ्री एंड फोर, और इसके बाद बच्चों फिर ऊपर आएगा आई अब कहां पहुंचेगा चार प्लस एक पांच तक जाएगा, और जे एक से पांच तक चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा वन टू थ्री फोर एंड लास्ट में। तो ये देखिए हाफ ट्रायंगल जैसा आपको आउटपुट बच्चों क्या करेगा शो करना शुरू कर देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ये एक साधारण सा, यहां बहुत क्लियर कट बात ध्यान रखने की है कि आपको देखना पड़ेगा कि आउटर लूप की क्या वैल्यू है, इनर लूप की क्या कंडीशन है। जब तक आप इन दोनों लूप को बच्चों एक साथ कंट्रोल या मैनेज, और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहां पर ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है और कंप्यूटर इसको कैसे वर्क करेगा, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम मशीन के लिए नहीं है बच्चों, प्रॉब्लम हमारे आपके लिए है।
क्योंकि हमें आपको समझना पड़ेगा। आप मशीन को एक बार सही से बता दीजिए, उसके बाद मशीन को बनाने में, मशीन को हैंडल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं हमारे आपके लिए समझने में है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं बच्चों कि फॉर लूप या व्हाइल लूप, नेस्टिंग किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिखाया वो फॉर और फॉर की नेस्टिंग का है। आपकी नेस्टिंग किसी भी लूप की हो सकती है, जरूरी नहीं कि फॉर और फॉर से ही बने। आप नेस्टिंग में व्हाइल को यूज कर सकते हो और व्हाइल के अंदर किसको यूज कर सकते हो, फॉर को यूज कर सकते हो। ये देख लीजिए, जरूरी नहीं है आप नेस्टिंग में फॉर को यूज करो, फॉर के अंदर फॉर को यूज करो, और इसके भी अंदर आप अगर चाहें तो यूज करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, यानी किसी भी लेवल की नेस्टिंग। ये आउटर है, ये आउटर के अंदर इनर है, और ये सबसे इनर लूप है। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये सबसे आखिरी में बंद होगा, ये नंबर दो पे बंद होगा, ये सबसे पहले बंद होगा। तो आपको नेस्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ताकतवर कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग का। लेकिन इस प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट को प्रयोग करने से पहले आपको मैं बता दूं, बेसिक आइडिया अबाउट लूप का होना बहुत जरूरी है। और कुछ प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं, सम प्रॉब्लम्स जिनको कि हम नेस्टिंग से ही सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर वन कि जनरेट आर्मस्ट्रांग नंबर्स, बिटवीन 1 to 500। आप जानते हैं बच्चों कि आर्मस्ट्रांग नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जैसे तुम्हारा 153, जिसमें 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जोड़ दो तो फिर क्या बनता है, वही नंबर ओरिजिनल आपका। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे जनरेट शब्द उत्पन्न कहेगा, यानी उत्पन्न करने के लिए कहेगा, वहां पर आपको नेस्टेड लूप। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, जनरेट प्राइम नंबर्स बिटवीन, मान लीजिए 1 to 100, अगर आपको ये कहता है, फिर जनरेट शब्द आया। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको मालूम है, जिनके केवल दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11। अगर इनको कहेगा कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, सारे नहीं होते प्राइम, तुम्हारा 4 प्राइम नहीं है बच्चों, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, तो सारे तो प्राइम नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जहां पे चेक करना है और उत्पन्न करना है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आपको प्रयोग करना है किसका, नेस्टेड स्ट्रक्चर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग यूज करते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रामिंग टेक्निक है बच्चों। तो अगर आपको, आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि क्यों नहीं हम इस पूरे टॉपिक को सीखें और जानें, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप आइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यूनिक ग्रुप के ऐप को। और यदि इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो, लगता हो कि कुछ जानकारी मिल रही है, औरों को भी पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं वर्क या काम होगा कि भाई और लोग भी जाने इस वीडियो के बारे में, इस नॉलेज के बारे में। तो बच्चों, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने कुछ सीखा, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह के निरंतर रोचक वीडियोस बनाते रहने के वादे के साथ मैं नितिन श्रीवास्तव आपको अलविदा कहता हूँ। नमस्कार एंड गुड बाय।